दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाम के 7 बज गए हैं और जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि शाम के 7 बजे समस्तीपुर जिले का अंतिम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का अंतिम विधानसभा क्षेत्र रोसड़ा पर हम आपको जातिगत समीकरण की जानकारी देंगे। तो हम आपके बीच आ गए हैं, तो इससे पहले जब हम शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो दोस्त दूसरे विधानसभा क्षेत्र के यानी कि समस्तीपुर जिले के दूसरे विधानसभा क्षेत्र के देख रहे हैं, वह अगर इस आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वहाँ पर आपको हर समस्तीपुर का लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र का आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आप बात करते हैं 2010 और 2015 के चुनाव पर कौन सा दल यहाँ पर जीत हासिल किया था। तो यहाँ पर 2010 से शुरुआत करते हैं। 2010 में कोई गठबंधन और महागठबंधन की स्थिति नहीं थी जो जिस प्रकार 2015 में हमें देखने को मिली। 2010 में एनडीए गठबंधन थी और इधर से त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस और आरजेडी एलजेपी का गठबंधन था। कांग्रेस अलग पार्टी थी, अलग दल के साथ लड़ रही थी और आरजेडी एलजेपी एक साथ, और एनडीए में जो अभी भी दल हैं वही थे तकरीबन। तो शुरुआत करते हैं, यह सीट रोसड़ा का सीट बीजेपी के खाते में 2010 में गई थी जिस पर मंजू हजारी को 57,930 मत प्राप्त हुए और वहां से वह विजयी हुई थी। और वहीं बात किया जाए आरजेडी के खाते में यह सीट गई थी 2010 में तो उन्हें तकरीबन 45,811 मत प्राप्त हुए थे। जो कैंडिडेट आरजेडी के थे वह थे पीताम्बर पासवान। तो दिलचस्प इसमें इसलिए यह बात हो गई कि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट उतारे सरिता देवी के रूप में, जिन्हें 13,914 यानी तकरीबन 14,000 मत प्राप्त हुए, जो कि बीजेपी को सहयोगी आग लगातार, जैसा कि दूसरे दल ने बोला कि कांग्रेस खड़ा करके आरजेडी को नुकसान कर रही थी। तो आपने यह 2010 का जो मैंने आपको बताया, यहाँ से मंजू हजारी बीजेपी की कैंडिडेट हुई और तकरीबन 58,000 मत प्राप्त करके जीत हासिल किए रोसड़ा सीट पर 2010 में। अब बात किया जाए 2015 में, तो 2015 में सिर्फ सीधा लड़ाई था गठबंधन और महागठबंधन में। यहाँ पर भी गठबंधन यानी कि जो बीजेपी के गठबंधन दल थे उनमें बीजेपी को यह सीट गई और मंजू हजारी ने अपने परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाई और वहां से वह चुनाव को हार गई। उन्हें तकरीबन 51,000 ही मत प्राप्त हुए जो 2010 की तुलना में काफ़ी कम थे। वहीं पर 2015 में महागठबंधन जब बना तो वहां पर आरजेडी के कद्दावर नेता डॉक्टर अशोक कुमार खड़ा हुए और उन्हें तकरीबन 85,506 मत प्राप्त हुए और वहाँ से 2015 में रोसड़ा सीट को आरजेडी ने जीता और काफ़ी भारी अंतर से वह सीट जीता। हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम आपको और अच्छे से वीडियो बनाकर दे सके, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो सके। और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं जातीय समीकरण के, और जातीय समीकरण से बात करने से पहले हम आपको ये बता दें, हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं बिहार के सभी बाहुबलियों का। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के सभी बाहुबली कौन कौन हैं उसका डाटा, तो हमारा वीडियो ज़रूर देखते रहें। जल्द ही हम सारा डाटा जो इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद हम आपके बीच में आएंगे। सिर्फ इतना जान लीजिए कि अभी बिहार में काफ़ी बाहुबली हैं लेकिन सिर्फ एक ही गिनती होता है, वह है सिवान के। आप जान गए होंगे, नाम अभी मैं लेना नहीं चाह रहा, सिवान के कौन हैं, उनका बाहुबली के रूप में नाम लिया जाता है। लेकिन इसलिए क्योंकि वह आरजेडी के समर्थक हैं, आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। अब इतना बोल देने के बाद आप जान गए होंगे, और हमेशा आरजेडी के साथ रहते हैं और जो अभी वर्तमान सरकार हैं वह आरजेडी के जो साथी हैं उन्हीं को बाहुबली साबित करने मिले। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि बिहार में
बहुत सारे ऐसे बाहुबली हैं जिनका कांड आप लगातार न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। तो खैर बहरहाल वो हम बात करेंगे बाद में, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से। वह वीडियो भी हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं, पहले हम आपको तकरीबन कुछ विधानसभा क्षेत्र का, आपके विधानसभा क्षेत्र का हम जानकारी दे दें। चलिए उसी बीच स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से। तो जाति की बात किया जाए तो यादव जाति रोसरा विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 30,000 के बीच है। वहीं मुसलमान की बात किया जाए तो मुसलमान भी तकरीबन 20,000 के आसपास मानी जाती हैं। अगर राजपूत समुदाय की बात किया जाए तो राजपूत समुदाय भी 10,000 से 12,000 के बीच यहाँ पर आंकी जाती हैं। अगर ब्राह्मण की बात किया जाए तो 30,000 से 32,000 के बीच में यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय हैं। वहीं भूमिहार की बात किया जाए तो भूमिहार यहाँ पर 9 के बराबर है, क्योंकि रोसरा में ज़्यादातर कोयरी और ब्राह्मण राजपूत मुसलमान ऐसे संख्या में है, इसलिए भूमिहार की संख्या 9 के बराबर है, 1,000 के आसपास हमारे डाटा के अनुसार हैं। वहीं तकरीबन अगर बात की जाए कुर्मी की तो कुर्मी तकरीबन यहाँ पर 9,000 की संख्या में है। और कोयरी की बात किया जाए तो कोयरी तकरीबन 20,000 से 22,000 के बीच में कोयरी हैं। और रविदास यानी कि चमार जाति की बात की जाए तो तकरीबन 17,000 हैं। और वहीं पर पासवान जाति की बात किया जाए तो यह पासवान जात्री 22,000 से 26,000 के बीच में है। आप अगर किसी दल के सपोर्टर हैं तो जो मैंने आपको आंकड़ा दिया है वह आंकड़ा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह सीट किसके खाते में जाने की उम्मीद है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हम आपको बीच बीच में ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जहां पर आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। हम सारे डाटा जो भी बाहुबली हैं, जो हमारे बिहार के अच्छे नेता बने, सबका हम डाटा आपके बीच में लेकर आएंगे। जल्द ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीच में बिहार के हर चीज़ का डाटा आपके बीच में लेकर आए। अभी तक हमारे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं कल अगले जिला के अगले विधानसभा क्षेत्र के। नमस्कार।